नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मेरा नाम रमेश कुमार और आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए। मेरे साथ सभी चीज रवि जी हैं, एक समाज सेवी हैं और राजनीति के काफी बारीकी से समझते हैं। पहले तो रवि जी आपका स्वागत है एसटीजी न्यूज चैनल पर। आए आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जिस तरह से अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही है सासाराम में, जिस तरह से त्रिकोणीय श्रृंखला बन रहा है जिनमें राजेश्वर गुप्ता राजद से हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जदयू से हैं और रमेश्वर चौरसिया लोजपा से हैं, आपका क्या मानना है कि किसकी इनमें से जीत हो रही है? देखिए, सासाराम विधानसभा की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मैं तो किसी दल का नेता नहीं हूं और मैं खासकर एक समाज सेवी व्यक्ति हूं और मेरा कहना यह है कि यहाँ की लड़ाई जो है त्रिकोणीय है और यहाँ की जनता जो है खुलकर वोटिंग करने के लिए हमको नहीं लगता है कि बूथ तक पहुंचेंगे। ऐसा आप क्यों करें, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? लगने की कारण ये है कि अभी हाल में आप देख रहे हैं कोरोना का स्थिति चल रहा था, लॉकडाउन से हम लोग निकले हुए हैं बाहर और लॉकडाउन के जनता सामना करने के बाद इलेक्शन से जूझ रहा है। कोरोना काल की स्थिति में किसी दल के किसी भी नेता या कोई बड़े मंत्री और या मुख्यमंत्री, इन लोगों की कोई अता पता नहीं थी सड़कों पे। आज हेलीकॉप्टर उड़ा उड़ा करके हर सभा कर रहे हैं, एक जिला में पांच पांच सभाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक यहाँ हम लोग के सासाराम में आकर के सभा करके निकल गए। अच्छा रवि जी, आपसे समझना चाहूंगा, कहीं हिंदू समाज इससे नाराज होगा, जैसे कि दशहरा है, दिवाली है, यहाँ पर पूरी तरह से बैन है, कोरोना का रूल को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ भीड़ दिखाई जा रही है कि हमारे में इतनी भीड़ जमा हो गई है, क्या यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा, लोगों के बीच में ये बातें नहीं जा रही होगी? आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि जब दुर्गा पूजा, हिंदू की महान पूजा दशहरा और दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा पे रोक लगा दिया कि 4 फीट से ऊपर मूर्ति नहीं बनाया गया बनाना है, लाइट नहीं जलाना है, पंडाल नहीं लगाना है, प्रसाद नहीं बांटना है, पंडाल में भीड़ नहीं लगाना है, इस टाइप का गाइडलाइंस हिंदुओं को दे दिया गया, इस तरीके से आप लोग पूजा कर सकते हैं, हैं? तो पूजा करने से कोरोना फैल सकता है और हेलीकॉप्टर से आकर के और रैली का और सभाएं कर रहे हैं और अपनी तादाद की भीड़ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमारी सभा में इतनी जनता आई, हमारे पक्ष में इतनी जनता है, क्या उसे कोरोना नहीं होगा? तो इससे 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 कुछ लगता है कि लोग इससे नाराज होंगे? हमको तो लगता है कि जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने उच्च प्रवृत्ति के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये लोग काफी कोरोना के डर से ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। उससे थोड़ा नाम लीजिए, कौन सा तबका हो सकता है कि जो कि बहुत जो पढ़े लिखे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बढ़िया वकील हैं, डॉक्टर हैं या डॉक्टर के फैमिली हैं या जिस शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं, हमको नहीं लगता है कि उनके घर के व्यक्ति लोग जाएंगे वोट करने के लिए बूथ तक, क्योंकि वो कोरोना काल में अभी भी आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, डॉक्टर 6 फीट के दूरी पर बैठता है और पेशेंट को देखता है। रवि जी ये बहुत आप बड़ी बात बता रहे हैं, आपसे एक समझना चाहूंगा कि जो सासाराम में जो बताया जा रहा है, जिस तरह से राजद के जो राजेश गुप्ता जी हैं और डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, मैं किसी आप पार्टी से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, एज ए समाजकर्ता ही आपसे पूछ रहा हूँ कि किसका जीत आपको लगता है, अगर लगता है तो क्यों लगता है आपको? देखिए, मैं किसी को नहीं मानता हूं कि जीत हो रही है। अभी राजेश गुप्ता हमारे आरजेडी के जो नेता हैं, ये प्योर आरएसएस प्योर भाजपाई थे, लेकिन आरजेडी से इनको टिकट मिल गया, इनका कोई शहर में पहचान भी नहीं है, नेता के तौर पर इनका कोई पहचान नहीं, इनको कोई नेता नहीं मानता है, लेकिन ठीक है, अपने किस्मत से इनको टिकट मिल गया, राजद ने इनको टिकट दे दिया है, आ गए चुनाव के मैदान में। लेकिन हमारे पूर्व विधायक जो आरजेडी से रहे डॉक्टर अशोक प्रसाद, जो अभी जेडीयू से उम्मीदवार हैं, ये बहुत काफी दिनों से आरजेडी के में विधायक रहे हैं और इन्होंने बहुत काफी सेवा भी किया है शहर के अंदर में, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, हर जगह जगह कब्रस्तान का घेराबंदी किया, बहुत जगह मुसलमान को इन्होंने कोऑपरेट किया है। रवि जी कैसे बात कर रहे हैं, जब जिस समय राजद में थे, ठीक है, अब जेडीयू में आ गई है, एनडीए मुसलमानों के खिलाफ की पार्टी मानी जाती है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं इनका वोट बैंक अशोक विधायक जी का कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं कट रहा हो? नहीं, अशोक जी का जो वोट है, अशोक जी का फैक्टर वोट है, समझ गया ना,
इनको हमको लगता है कि 40% से अधिक वोट मुस्लिम भी इनको वोट दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि नेशनल मुद्दे आप देख लीजिए, तबलीगी जमात देख लीजिए, 370 देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, लेकिन यहाँ की जनता के मुस्लिम समुदाय में ये चीज दिख रहा है कि आज तक लालू यादव के चलते इलियास हुसैन जेल में है। दिल्ली के विधायक इलियास हुसैन जी लालू यादव के चलते अभी तक जेल में है। उनके बेटा का टिकट काट दिया गया, एक मुस्लिम का टिकट मिला है आरा से, वो जैसे उसका टिकट कटा उसी उसका हार्ट अटैक कर गया, वो बच गया किस्मत से, समझ गए। ये सब चीजें मुस्लिमों को दिख रहा है, तो जो जिससे लगाव हो गया, जिस मुस्लिम वर्ग के लोगों से लगाव हो गया डॉक्टर अशोक प्रसाद जी का, वो घरेलू संबंध है। अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तेजस्वी के पास नहीं पहुंच सकते हैं, नीतीश जी के पास नहीं पहुंच सकते, हम जब भी पहुंच सकते हैं तो अशोक जी के पास पहुंच सकते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि नेशनल मुद्दे अलग होती है और जो स्थानीय मुद्दे अलग होती है, दोनों दो चीजें हैं जी। ये सब चीजें सुनने को मिल रहा है शहर में, ऐसी चीजों को सुनने को मिला, तो हमको लगता है कि 30-40% वोट जो है मुस्लिम का वो जेडीयू के पक्ष में जा रही है। अच्छा, ये आप आपसे एक भी समझना चाहूंगा कि जो गुप्ता जो समुदाय है, क्या इनका वोट भी अशोक जी का आएगा, कि ये पूरा का पूरा वोट है जो ये राजेश गुप्ता को कन्वर्ट होता है? क्या कहा जा सकता है, बनिया समाज के लोग जो गुप्ता जिनको आप बोलते हैं, ये लोग तो प्योर भाजपा ही है, ये लोग प्योर भाजपा ही है, प्योर ये लोग बीजेपी का वोट करता था, जाति के नाम पे राजेश गुप्ता को टिकट मिल गया और सारे लोग बनिया ललटेन हो गए, तो सारे लोगों को कैसे माना जा सकता है? जो ओरिजिनल भाजपा ही है, जो हमेशा बीजेपी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के साथ है, वो तो वोट अशोक जी को देगा ही ना। तो आपको लगता है ऐसे कितने परसेंट है आंकड़े में कि जो वोट देंगे? हमको लगता है कि बनिया के कम से कम 35-40% वोट अशोक जी को मिल जाएगा। यानी आप कह रहे हैं हम मुसलमानों को वोट कितना परसेंट आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 30-40% मुसलमान का भी वोट अशोक जी के पक्ष में जा रहा है। कुशवाहा की वोट? कुशवाहा को तो अब क्या कहा जाए, देखिए जिस दिन नामिनेशन हुआ उसी दिन राजेश गुप्ता ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, समझ गए। और कुशवाहा क्या बोला कि देखिए यहाँ आजादी के बाद में 40 वर्षों से यहाँ कुशवाहा का गढ़ माना जाता है सासाराम विधानसभा में, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, ये सभी लोग कुशवाहा के ही विधायक यहाँ रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या नारा लगा दिया कि कुशवाहा हटाओ और बनिया समाज के लागू लग लो, सारे कुशवाहा एक्टिव हो गए, समझ गए। अच्छा रवि जी, आपको एक बात नहीं लगता कि जो रमेश्वर चौरसिया है जो लोजपा से है, ये एक्स फैक्टर हो सकते हैं? यानी ये अगर ये किसी की वोट को मैं काटने शब्द कर रहा हूँ, कुछ लोग गलत सोचेंगे, क्या अगर ये वोट काटते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं अशोक पर भी भारी पड़ सकता है, या फिर जेडीयू से जो है उससे है जो राजस्व से है राजेश गुप्ता, उनके ऊपर भी ये फर्क पड़ सकता है? खैर लोजपा देखिए, लोजपा जहां तक रामेश्वर चौरसिया है, इन्होंने नोखा विधानसभा के विधायक रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसके पूर्व में नोखा विधानसभा जिस वक्त इस बार विधायक बने थे, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है, ये कार्य करने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखते ही नहीं है, इनसे काफी जनता नाराज रहती है, ठीक है ना। मान लीजिए कॉम्पिटिशन में जीत नहीं सकते तो खेल तो बिगाड़ सकते हैं ना रवि जी, ये इनसे कोई प्रभावित नहीं है, इनका जो है वैश्य समाज का वोट ही काट सकते हैं और राजपूत वर्ग का वोट काट सकते हैं, समझ गया ना, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना जेडीयू को, ना अगर ये वोट काटते हैं तो जेडीयू के ही फायदा होगा। हाँ रवि जी, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ बोलिए। तो रवि जी, आपको लगता है कि सासाराम से किसकी जीत पक्की मानी जा रही है आपके हिसाब से? अभी अभी हम लोगों की सारे समीकरण मिला रहे हैं, हम लोग को अभी हम लोग यहाँ अशोक विधायक का जो है जो जेडीयू के प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक जी, इनका जीत पक्का माना जा रहा है, क्योंकि इनका वोट जो है अगर आंकड़ा किया जाता है, चारों तरफ से समीकरण मिला जा रहा है, तो इनका पलड़ा भारी मिल रहा है और लगता है कि अशोक विधायक ही यहाँ जीत जाएंगे। रवि जी आपने टाइम दिया, बहुत आपने कीमती समय एसटीजी न्यूज चैनल के दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।